जब उनके माता पिता जी का राज था उस समय क्या होता था, तो उससे बढ़िया इस राज में हो रहा है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, बढ़िया बोल रहे हैं। उनके माता पिता के राज में जंगल राज कहा जाता था, उनके माता पिता के राज में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वहाँ साफ बधी है कि मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार जिसे इस राज्य की दर्जा देगी, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जरूर सोचेगी। कोई फ्रेम नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है वो सब ठीक होगा और बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार को। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव बढ़ते अपराध को लेकर बयान दे रहे हैं कि देखिए जिस तरह का बिहार है इसका हम कल्पना भी नहीं किए थे, उम्मीद भी नहीं था कि इस तरह का बिहार होगा। अब इस पर बात करने बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जैसा सोचते नहीं थे उस तरह का बिहार में माहौल है, आज रोज अपराध हो रही है, घटनाएं हो रही है। ठीक ही बात बता रहे हैं, कहां गलत है। जब उनके माता पिता जी का राज था उस समय क्या होता था, तो उससे बढ़िया इस राज में हो रहा है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, कुछ बढ़िया बोल रहे हैं। उनके माता पिता के राज में जंगल राज कहा जाता था, उनके माता पिता के राज में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, महिलाएं सड़क पर नहीं चलती थी। अब वहाँ बेहतर स्थिति आ गई है, तो ठीक ही कह रहे हैं। उनके माता पिता के रहते जो हुआ उससे बेहतर हो रहा है, यही तो बात मिल रहा है। अच्छी बात, तो अपराध को लेकर आप लोग को दाग लगा रहे हैं कि आप लोग के में अपराध बढ़ गया है कि सरकार में। नहीं, अपराध तो होता रहता है, हम उसके लिए दुखद है, उसके लिए बहुत चिंतित है। और जो भी अपराधी है उसको किसी भी कीमत पर बचने नहीं देगी हमारी सरकार। हर हालत तो पकड़े जाएंगे, कानून के हवाले होंगे और आगे इस तरह की घटना नहीं हो इसके लिए सरकार काम कर रही है। विशेष राज के दर्जों को लेकर आप लोग लगातार आवाज उठाते रहे, लेकिन अब चिराग पासवान कल तक कह रहे थे कि विशेष राज का दर्जा बिहार में कैसे मिल सकता है, या फुलफिल नहीं करता है, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि नियम कानून में बदलाव करना होगा, हम करवाएंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन हम विशेष राज का दर्जा दिलवा करें। देखिए, हम लोग बहुत पुरानी मांग है और बिहार के दोनों सदनों से इसको पारित करके बिहार के सत्ता और विपक्ष के सभी लोगों ने भारत सरकार को दिया है। और जब सरकार मनमोहन सिंह की थी उसी समय से ये मांग चल रही है। उनकी सरकार में तो अभी तक विशेष राज का दर्जा मिला नहीं, लेकिन अब आशा बधी है कि मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार विशेष राज की दर्जा देगी, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जरूर सोचेगी। इसके लिए हम सबके नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने प्रस्ताव राष्ट्रीय कार्य समिति जनता दल यूनियन पर फैसला लिया है और भारत सरकार से अनुरोध किया है कि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो बिहार और तेजी से आगे बढ़ेगा। विपक्ष कह रहे हैं कि आप लोग भूम कर रहे हैं, ताला चाबी आपके पास है, किंग मेकर के भूमिका में है, सरकार में आप रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, फिर मांग किसे रहे हैं आपको, जब करवाना चाहिए। जब मनमोहन सिंह की जो सरकार थी तो भूम था, उनकी असली सरकार नहीं थी, नकली थी। सरकार सरकार होती है, कोई भूम नहीं है, कोई फ्रेम नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो सब ठीक होगा और बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार को जितना भारत सरकार का मदद मिला है उससे बिहार आगे बढ़ा है, और भी मदद की बिहार की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार पहले भी मदद किया है, आगे भी मदद करेगी और इस बार तो विशेष राज्य का दर्जा दे देगी तो और बिहार की तरक्की होगी। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव से पहले मिल जाएगा बिहार के विशेष राज्य? ये तो कहना मुनासिब मेरे लिए नहीं, मैं तो एक छोटा आदमी हूँ, मामूली आदमी हूँ। भारत सरकार को यह फैसला लेना है, हमको कोई फैसला नहीं लेना, हमको तो अनुरोध करना है, हमने अनुरोध किया है, हमारी पूरी पार्टी अनुरोध किया है। बिहार की एक एक जनता चाहती है, आज की मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए ताकि यहाँ पर जो बेरोजगारी है, कृषि का काम है, यहाँ पर कल कारखाना का अभाव है, सब बढ़िया से यहाँ पर हो सके और आगे बिहार को बढ़ा सके। 2025 में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में बीजेपी का एक धड़ा जैसे सुनील चौबे का बयान कर रहे हैं कि बीजेपी का अपना नेतृत्व होना चाहिए, अपने चेहरा होना चाहिए, अपने दम पर सरकार बनानी चाहिए। वहीं चिराग पासवान के जो दीजा है अरुण भारतीय जम्मू से सांसद होकर कि चिराग पासवान भी चेहरा हो सकते हैं मुख्यमंत्री का, ऐसे हम लोग नहीं जानते हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने के लिए
एनडीए गठबंधन तैयार है और पहले भी लड़ा है और इस बार लोकसभा के चुनाव के बाद परिणाम जो आए हैं उसके बाद भी अखबारों में हमने नेताओं का बयान देखा, छोटे से बड़े नेता तैयार बैठे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगी और आगे 2025 में जो चुनाव होंगे उसमें एनडीए की सरकार बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में। एनडीए सब कुछ ठीक चल रहा है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है और भी अच्छा चले इसकी पूरी कोशिश होगी। तो आपने देखा हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री सरवन कुमार थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है और 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार चेहरा होंगे, एनडीए में सब कुछ तय होगा। प्रयास को मित्र है इसे तमाम पूर्ण गमत होने 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।